हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं शौर्य कंप्यूटर। सो दोस्तों, जैसे कि हम लास्ट पार्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हम काफी ज्यादा कमाल की चीज लेके आए थे और उस पर रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा खासा था। तो भाई, आज की वीडियो हम कुछ इस तरीके से ही लेकिन एक सिंगल कंटेंट टॉपिक पे हम वीडियो लेके आए हैं। मतलब अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक ऐसा दिखता है ऑप्शन जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसकी मतलब जो उसके अंदर जो खूबियां है वो क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा डीप आज आपको बताने वाले हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा टास्क बार है वो देखो साइड में आ रहा है। तो वो साइड में कैसे आ रहा है, और अगर आप चाहें अपने टास्क बार को हाइड करना तो अपने टास्क बार को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आए हैं वो है टास्क बार से रिलेटेड। टास्क बार क्या है, टास्क बार का यूज किस लिए किया जाता है और टास्क बार के क्या क्या ऐसे अमेजिंग फीचर हैं जिन्हें सीखने के बाद आपको काफी ज्यादा शायद फायदा मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और सीखते हैं इस कमाल के टॉपिक को। सो गाइज, देखो यहाँ पर हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब आप देख पाओगे यहाँ पर कि जो मेरा टास्क बार है ना वो बिल्कुल साइड में आ रहा है। तो पहले हम ये जान लेते हैं, देखो मैं इसको थोड़ा उठा के दोबारा उसी पोजीशन में कर देता हूँ जहाँ टास्क बार होता है। तो भाई देखो, ये टास्क बार होता क्या है। टास्क बार का टास्क का मतलब होता है कोई काम, मतलब अगर आप अपने सिस्टम को कोई काम दे रहे हो तो वो एक टास्क है। और अगर कोई भी कंप्यूटर को दिया गया काम जिस जगह पर शो होता है या जिस बार में ऐड किया जाता है उसी को कहा जाता है टास्क बार। तो यहाँ नीचे देखो हमारा टास्क बार है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई भी मैं दिस पीसी ओपन करता हूँ, कोई ऐप ओपन करता हूँ, तो आप नीचे नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ नीचे एक लाइन आ जाती है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि आप इस प्रोग्राम को चला रहे हो या फिर ये जो ऐप है ये एक्टिव है इस समय और ये टास्क हमारा चल रहा है। अब चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो नीचे हमारा टास्क है तो इसे कहा जाता है टास्क बार। वेल, हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा विषय एक बार ये और है कि इस टास्क बार की स्पेशलिटी क्या है, मतलब इसके अंदर फीचर कौन कौन से होते हैं। तो देखो, ये जो मैं इस तरीके से साइड कर पा रहा हूँ या ऊपर की तरफ टास्क बार कर पा रहा हूँ या फिर देखिए अपने लेफ्ट में कर पा रहा हूँ, ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ जानते हैं इसको। तो देखिए, आप अपने टास्क बार वाली लाइन पर एक बार राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाइए टास्क बार सेटिंग्स पे। तो यहाँ देखिए मैं टास्क बार सेटिंग पे आ चुका हूँ। अब आप यहाँ देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है लॉक द टास्क बार। अगर इस ऑप्शन पर आप टिक रखोगे तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि अब ये कहीं भी मूव नहीं होगा। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये कहीं पर भी ड्रैग नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी की जगह पर अगर मैं इस पे से टिक हटा देता हूँ, देन यू कैन सी कि अब मेरा टास्क बार मूव होने लगेगा। तो ये इस काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर है। आप देखिए ऊपर अपना टास्क बार रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं या इस साइड, क्योंकि नीचे देखते हैं तो बहुत दिन मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं इसको साइड में रखूँगा यहाँ पर। ओके, चलिए भाई आपके समझने के लिए नीचे ही कर देता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर एक और है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप मोड। तो अगर आप डेस्कटॉप मोड पे चाहते हैं कि टास्क बार जब ही शो हो जब आपको स्क्रीन पर कुछ ज़रूरत हो, अदरवाइज ही हाइड रहे, तो एक बार बस आप इस पर टिक कर दीजिए और इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जो नीचे मेरा टास्क बार है वो देखिए हाइड हो चुका है, बट जैसे ही मैं उस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो एक टास्क बार शो होने लगेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का, ये देखो हाइड हो गया और ये वापसी आ गया। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप उस पर से टिक हटा दीजिए, ये दोबारा नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द टैबलेट मोड। कुछ जो लैपटॉप्स हैं उनके अंदर टैबलेट मोड का ऑप्शन होता है क्योंकि वो टच स्क्रीन भी होते हैं, नॉर्मल में भी होता है लेकिन नॉर्मल में ज़्यादा लोग उसको यूज़ नहीं करते। बट अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो ये टैबलेट मोड पे भी ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन काम करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो आप एक बार नीचे मेरी टास्क बार वाली लाइन पर ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही मैं इस पर ऑन करूँगा तो नीचे देखिए टास्क बार जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। कुछ लोगों के सिस्टम में जो है टास्क बार बहुत ज़्यादा छोटा आता है और अगर वो उसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप ना इस सेटिंग्स में जाके, दोबारा मैं दिखा देता हूँ, टास्क बार पे राइट प्रेस करेंगे, यहाँ पर इसकी टास्क बार सेटिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए, देन ये आपके टास्क बार नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूज पिक टू द प्रीव्यू इन द डेस्कटॉप मोड व्हेन यू हैव व्हेन यू योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। ठीक है, अगर देखिए मैं ध्यान दीजिए मेरे कर्सर पे, अगर मैं कर्सर कॉर्नर में लेके जाता हूँ तो देखिए कुछ भी अभी नहीं हो रहा है, है ना, देखो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इन केस अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ और अब मुझे सेटिंग पे होते हुए ही ये देखना है कि डेस्कटॉप पे क्या एक्टिविटी हो रही है, तो मैं इसको यहीं पे देखिए माउस को जैसी कॉर्नर पे लेके जाऊँगा। अब आप नोटिस कीजिए, देखिए मुझे डेस्कटॉप मोड दिखने लगा, ये देखिए जब मैं इसके कॉर्नर पे लेके जाऊँगा तब मुझे डेस्कटॉप यहाँ पर शो हो रहा है।
जबकि देखिए वो ऑन है, मतलब जो मेरी सेटिंग्स है वो ऑन है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से शो होने लगा। और अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर आप अपने टास्क बार को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए लॉक द टास्क बार। तो आई होप आपको टास्क बार के बारे में काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिली होंगी, और इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि आप टास्क बार के बारे में पूरी तरीके से चीज़ जानें। लेकिन और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसे एप्लीकेशन है जिसे आप बार बार यूज़ करते हैं और बार बार आपको स्टार्ट बटन पर जाना होता है, वो ऐप ढूंढना होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम अपने उस ऐप को टास्क बार में पिन कर सकते हैं। कैसे करना होता है, देखिए आप स्टार्ट बटन पर जाइए। लाइक जैसे मुझे बार बार जो गूगल क्रोम है वो ओपन करना होता है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल क्रोम पे राइट क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पर दिखाई देगा पिन टू स्टार्ट। नहीं 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 बट हमें यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर हम देखेंगे कि पिन टू टास्क बार का है। तो देखो यहाँ मोर पे जाके हेरा पिन टू टास्क बार, इस पर टिक कर दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे तो मेरा जो क्रोम है वो यहाँ पर शो होने लगा है टास्क बार में। अब मुझे बार बार स्टार्ट बटन पर नहीं जाना है, लेकिन अगर मुझे इसे हटाना हो तो मैं इसी पर राइट क्लिक करूँगा ऐसे, और देखिए यहाँ से मैं इसे कर दूंगा अनपिन टास्क बार। इसमें एक चीज़ और कमाल की है कि अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स या फिर कुछ सेटिंग्स ऑन कर रखी हैं, लाइक जैसे यहाँ मैंने सेटिंग्स भी इसकी ओपन कर रखी है, और जो मेरा रिकॉर्डर है वो भी ऑन है, साथ में जो फाइल्स है वो भी ऑन है, और जो गूगल क्रोम है वो भी ओपन है यहाँ पर एडजी, तो देखिए इस पर किसी भी ऐप पर जंप करना है तो आप यहाँ पर लैपटॉप या पे कीबोर्ड कुछ भी है, कंप्यूटर है, उस पर आप ऑल्ट बटन और अगर टैब प्रेस करेंगे तो आप देखिए किसी भी ऐप पे जंप कर पाएंगे। लाइक जैसे यहाँ पर मैं सेटिंग्स पे आ गया, देन दोबारा ऑल्ट प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे, ये देखिए हम अपने उस पर आ गए रिकॉर्डर पे, ये आ गए हम अपनी फाइल पे, और ये आ गए हम अपने गूगल पे। तो इस तरीके से आप किसी भी पेज को इजीली जंप भी कर सकते हैं इसकी मदद से। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और कोई भी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से वो चीज़ पूछ सकते हैं। यही नहीं, अगर कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन है तो आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।